रोटी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार सा पराठा बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने ले लिया एक मीडियम साइज़ का पेड़ा, जिसको मैं 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लूँगी। जो मैंने यहाँ पर 2 पार्टीशन में से डिवाइड कर लिया है, और उसको मैं अच्छे तरीके से रोल करूँगी। और इसको अब मैं खुशके में डिप करूँगी। इसको अच्छे तरीके से, इस तरीके से हम लोग बेलने की मदद से लंबा करेंगे। इसको यहाँ पर डस्ट करके थोड़ा सा आटा जो है वो अपने इस तरीके से हम लोगों ने कट कर इसके ऊपर भी करना है डस्ट। इसके बाद हम लोग इसको बेलेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रोटी बनानी है अपनी, बिल्कुल गोल। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, क्योंकि हम पराठा बना रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को ऑयल की ज़रूरत होती है। इसको मैं इस तरीके से बंद करूंगी और इसके ऊपर वाली साइड पे मैं ऑयल लगाऊंगी। तो अब मैं इसको इस तरीके से उठाऊंगी और इस पर इस तरीके से लगा दूंगी, और इसकी मदद से इसको इस तरीके से रोल कर लूंगी। अगर आप मेरे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका भी बहुत ही मज़ेदार सा पराठा बनेगा। इस तरीके से मैंने एक और पेड़ा बना लिया है। अब जो मैंने दूसरा वो लिया था आटा जो सेपरेट किया था, इससे उसका भी इसी तरीके का पेड़ा बनाऊंगी। ये तो अब ये हमारे 2 पेड़े बन के बिल्कुल एक जैसे तैयार हैं। अब हम लोग इसमें इस तरीके से इसको डस्ट करेंगे। यहाँ पर दोबारा से हम लोग आटा डस्ट करेंगे, इसके ऊपर अपना पराठा रख के इसके बाद दोबारा से पराठा लगाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस तरीके से जब आपकी रोटी बनके तैयार हो जाए तो इसको साइड पर रख दें, और जो आपका दूसरा पेड़ा है उसको ले लीजिए। उसकी भी इसी तरीके से आपने रोटी बना लेनी है। ये तो अब मैं इसके ऊपर ऑयल को इस तरीके से लगाऊंगी। और इसके ऊपर हमारी दूसरी रोटी तैयार की गई, इसके ऊपर इस तरीके से लगा दूंगी। बहुत ही अच्छी रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस तरीके से आपने रोटी को करना है अपने, बेलना है। ये देखें आप लोग कितनी बड़ी रोटी बनके तैयार हुई है। ये देखिए, मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपसे क्या कभी भी इतनी बड़ी रोटी बनी है। तो अब मैं इसको इस तरीके से गरम तवे पे रख दूंगी। ये आप लोग देख सकते हैं इस रोटी का साइज पूरे तवे जितना है। ये आपने अपनी रोटी को हाई फ्लेम पे बनाना है। ये जो मैंने अपनी रोटी को पलट दिया है, अब मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी। आपने अपने पराठे के ऊपर भी ऑयल लगाना है और नीचे भी लगाना है इस तरीके से। ये देखिए, मैंने अपनी रोटी दोबारा से पलट ली और आप लोग देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आया है। ये आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी रोटी है। इस तरफ से जरा अच्छे से बनानी है हमने, कोई भी नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर अब मैं इसको एक दफा फिर से पलटूंगी और आप लोग देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आया है। और इसको मैंने निकाल लिया प्लेट में। तो मेरी रोटी बिल्कुल से बन के तैयार है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो, बाय बाय।